ये अब लोग गिग वर्कर के लिए लागू करने के लिए, नियम लागू करने के लिए कर रहे हैं, जिससे पूर्व सरकार ने इसको नियम तो लागू तो कर दिया विधानसभा में, लेकिन उसकी प्रवृत्ति आगे नहीं हो रही है, प्रवृत्ति न होने के कारण किसी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये कानून बना गया था उसकी प्रतिक्रिया जारी की जाए और हमें उसकी लाभ भी मिले उसके लिए। तो सभी जगह से अपने गिगर वर्कर्स लोग आए हुए हैं और वो ये सरकार से कर रहे हैं कि जब कुछ पूर्व सरकार ने इसको 200 करोड़ का बजट दिया था जिसमें हर गिगर वर्कर को 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे उसमें काम के हिसाब से भी, और उनको पेंशन वगैरह भी, इस प्रकार का किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस प्रतिक्रिया को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। हमारा धरना रहेगा भी जब तक हमारी निश्चित बात नहीं होगी, तब तक निश्चित अनिश्चित काल तक धरना है। मैं राजस्थान के धौलपुर जिले की निवासी हूँ और मैं लोकतंत्र शाला और एस आर अभियान के साथ में फेलो के रूप में काम कर रही हूँ। तो मेरा जो काम करने का मुद्दा है वो गिग वर्कर, जैसे एग्रीकल्चर के साथ में जो गिग वर्कर काम कर रहे हैं ऐप आधारित, जैसे ओला के साथ, ऊबर के साथ, रैपिडो के साथ, तो उनके जो कानून बना हुआ है उनके लिए वो उनके नियम नहीं बने, उनका जो अधिकार है, हक है, वो उन्हें नहीं मिल रहा। तो उन चीज़ों को लेकर हमने जो आज धरना किया है वो कानून में नियम बनाने के लिए, आज का एक दिन का जो धरना है वो गिग वर्कर कानून के लिए है। और शहरी रोजगार गारंटी, जो कि शहरी रोजगार की बात की जाए तो उसमें भी जो नियम होते हैं नियम के हिसाब से काम नहीं चल रहा है शहरों में। जैसे मनरेगा के अंदर भी देखा जाए तो वहाँ भी जो गारंटी देती है सरकार, गारंटी के हिसाब से नियम लागू नहीं है। तो जो गिग वर्कर और शहरी रोजगार दो चीज़ है, उनमें जो नियम होने चाहिए वो मजदूर को जो उसके अधिकार है वो नहीं मिल रहे। तो हम लोगों की जो मांग है वो यही है कि गिग वर्कर के लिए उनके नियम बनाए जाए। धरना अभी उसका कोई पता नहीं कब तक है, लेकिन ये निश्चित काल तक है। ये प्रदर्शन है जो गिग वर्कर्स आज बहुत बड़ी संख्या में सर्विस दे रहे हैं, उनके अधिकारों के बारे में बातचीत हो रही है। उसका जो एक कानून बनाया गया है, जो राजस्थान ने पहल लेकर बनाया है, उसके कोई नियम नहीं बनाए हैं उसको आगे लेके जाने के लिए, और हर एक जो गिग वर्कर है उसको कुछ अधिकार देने के बारे में आज हम लोग सब यहाँ मिले हैं। देखिए, हमने अभी तक 7-8 मुद्दे हमने तय किए हैं। पहला मुद्दा हमारा है कि न्यूनतम आय गारंटी जो सरकार ने दी है, पहले जो सरकार यहाँ पे थी कांग्रेस सरकार जिसमें अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थी, हमने मांग रखी थी कि पहले तो हर व्यक्ति को काम मिले, काम के साथ पूरा दाम मिले। तो उन्होंने जो मनरेगा की जो न्यूनतम जो मजदूरी थी जो केंद्र सरकार से मिलती है सबको, तो वो अभी तक देखा जाए 255 है। हम चाहते हैं वो बढ़े, अन्य राज्यों में काफी बढ़कर मिलती है, राजस्थान में भी बढ़े। फिर हमने एक कानून मांगा था उनसे कि शहरी रोजगार गारंटी, जो व्यक्ति शहर में काम करते हैं वो मजदूर चौकट पर जाते हैं, कई बार उनको काम नहीं मिलता है, वापस घर को लौट आते हैं, तो उनको भी काम मिले। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, यहाँ पे उन्होंने योजना चलाई, हमने कहा उसको कानून बना दिया जाए, क्योंकि कल को कोई सरकार दूसरी आती है तो उसको खत्म ना करें, उसको बिल्कुल देखा जाए तो रोजगार मिलने की जो आशा है वो खत्म ना हो। तो फिर हमने वो कानून सरकार ने दे दिया, लेकिन उस पर नियम कानून अभी तक बने ही नहीं अभी तक, कि किस व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, किस प्रकार के काम मिलना चाहिए। तो उस पर एक धरना यहाँ पे लगाया गया है। कुछ ग्राम पंचायतों को जैसे नगर पालिका बना दी है, जिले बना दिए, लेकिन अभी भी वो ग्राम पंचायतों सीधा वो शहर उसमें आ गए हैं, दायरों में आ गए हैं, लेकिन वहाँ के व्यक्ति को अभी, पहले जॉब कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों के थे, अब शहरी क्षेत्रों के हो गए। तो हम एक समस्या संकट आ गया कि अब काम कैसे मिलेगा उनको, एक मुद्दा ये रखा है। दूसरा मुद्दा कल ये रहेगा हमारे गिग वर्कर को लेके, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, अमेजन, जो प्लेटफॉर्म आधारित, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित काम करते हैं बुकिंग के तौर पे, उनके लिए भी कानून लेके आए थे सरकार, पिछली सरकार में, लेकिन इस सरकार में हम चाह रहे हैं कि उन्होंने जो कानून बनाया है इस बार वो नियम शर्तें बने, ताकि जो अधिकार उस समय नहीं मिल पाए उनको, मजदूरों को इस समय मिल पाए। तो मोटे मोटे ये हमारा मुद्दा है। उसके बाद फिर हमने रखा पेंशन का, पेंशन के लिए, पेंशन मतलब कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो व्यक्ति जैसे कि विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है और पालनहार पेंशन है, जिन व्यक्तियों को पेंशन मिल रही है, तो पिछले सरकार ने बना दिया था कि उनको हम 15% हर साल बढ़ाएंगे, लेकिन इस साल वो बढ़ी है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस सरकार ने जो अपने जन घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि हम उसको 1150 से करके 1500 करेंगे, हम ये मांग रख रहे हैं कि आपने तो, वो उन्होंने तो कर दिया, इस बार आप भी ये करें और लोगों का जो अधिकार है, पेंशन का अधिकार है, वो उन्हें मिलना चाहिए।